करनाल में अपनी मांगों को लेकर पोल्ट्री फार्म के किसान जिला सचिवालय के सामने धरने पर बैठे। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उनको पोल्ट्री फार्म चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके विरोध में वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी समस्याओं को लेकर वह मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, परंतु कोई भी उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिसके विरोध में उनको धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि सरकार से आह्वान किया कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देखिए एक रिपोर्ट। हमारा उद्देश्य आज पोल्ट्री जो परिवार है घर स्थिति में पहुंचा हुआ है, इसके बचाने के लिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हमारी सरकार से ये मांग है कि जो हमारा व्यवसाय डूब रहा है इसमें हमारी हेल्प करे। कहाँ से आया? हम तो सर यूपी से ताल्लुक का फार्मर यहाँ पर मौजूद है, अपनी जो विकट परिस्थिति आज उनसे गुजर रहा है, तो एक समाधान हमारा ये है कि हमारे यहाँ भाई फार्मर के साथ मिलके जो इस टाइम जो स्थिति बदतर हुई है उसे सुधारने का काम करें और सरकार हमारी तरफ ध्यान दे। तो बिक सस्ता रहा और हमें उसकी पूरी लागत भी नहीं मिल रही है। कुछ माफियाओं द्वारा अंडे का गोरख धंधा किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन है और उन पे कार्रवाई की जाए, हमारी ये मांग है। जिला प्रशासन से मिले हैं? कल हम जिला प्रशासन से भी मिले थे, हमने मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी अपना ज्ञापन सौंप दिया है, उप मुख्यमंत्री जी को भी सौंप दिया है और डीसी साहब को भी दे दिया है, प्रधानमंत्री जी को भी दे दिया। तो क्या मांग है आपकी, मुख्य मांग क्या? हमारी मांगे ये हैं जी कि हमारे व्यवसाय को बचाया जाए और जो कुछ माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। किस तरह के माफिया? वो अंडे के माफिया है जी, वो हम अंडे का रेट हमारी लागत आ रही है इस टाइम 4 रुपए और हमारा अंडा बिक रहा है 3 रुपए का। कुछ माफियाओं द्वारा ये खेल खेला जा रहा है और वो खेल कैसे खेलते हैं, बरवाला में रेट निकलता है जी 4 रुपए का, कुछ निजी एजेंसियां जैसे कि पपाक एक्ची है वो रेट निकाल देती है 380 बिक रहा है या 390 बिक रहा है, अगले दिन बरवाला को रेट कम करके 380 करना पड़ता है, फिर वो रेट निकाल देती है भाई 370 बिक रहा है और 360 बिक रहा है, फिर वो बरवाला को रेट 360 करना पड़ता है। पिछले 20 दिन के अंदर हमारा 2 रुपए अंडे का रेट कम हो गया है और हमारी लागत ज़्यादा आ रही है और हम प्रतिदिन 50,000 रुपये के नुकसान में जा रहे हैं एक छोटा सा किसान, क्योंकि किसान मोदी जी की नीति है कि किसान की आय दुगनी हो और हम किसानों की आय तो क्या, हमें तो अपना मूल्य भी नहीं मिल रहा, लागत मूल्य यह निश्चित कालान जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और इन दलालों पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हम यहीं बैठे हैं जी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।